आई टेल यू तला, जो इंडिया को भी जो एक है, इंडिया इज अ वेरी स्ट्रांग टीम, होस्ट होम टीम है, लेकिन यार ये जो अप्रोच है इनकी, मतलब नॉन एशियन टीम्स की, ये बिल्कुल डिफरेंट है। आज जब नेदरलैंड्स बैटिंग करेगा अभी थोड़ी देर बाद, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरह बैटिंग करते हैं। लेकिन अगर ये जीते आज पाकिस्तान से बाय अराउंड 20 रन 25 रन, तो इट्स नॉट अ कन्विंसिंग स्टार्ट एट ऑल। अगर आपने अगर अभी कुछ इस मैच से कुछ रिस्टोर करना है, तो फिर आपको लंबे मार्जिन से जीतना चाहिए कि आपका रन रेट भी थोड़ा बेहतर हो, नेट रन रेट। और दूसरा ये कि एक मैसेज जाए दूसरी टीमों को कि यार हमारी बॉलिंग अटैक ऐसी है अभी भी कि अगर हम रन नहीं करेंगे तो ये टोटल भी डिफेंड कर लेगी। तो आई थिंक इट्स वेरी क्रूशियल हाउ वी बॉल, लेकिन सो फार वेरी डिसअपॉइंटिंग यार। मतलब बिल्कुल है ना, आप एक्सपेक्ट ही करते हैं कि इस तरह से मतलब बैटिंग होगी, कोई मतलब इंटेंट ही नहीं होता है। आप अगर इमामुल हक का आउट देखें, मतलब जिस तरह आउट हुआ है वो, जी मतलब जो बॉल थी नहीं पुल करने वाली, वो पुल करने की कोशिश कर रहा है, वो काफी देर तक तो वो डॉट बॉल खेलता रहा। मतलब अगर आप बाबर जो है वो भी 14 डॉट बॉलों पे बॉल्स। 4 रन कर रहे हैं शुरू में, तो फिर भाई कैसे प्राप्त होगा। मैं ओपनिंग डिपार्टमेंट पे आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि नेदरलैंड्स में ये काफी स्ट्रॉन्ग कंपेरेटिव गेम खेल सकते हैं, जैसे आप कह भी रहे हैं कि आएंगे बैटिंग करेंगे तो पता लगेगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 374 गालिबन ये बना चुके हैं इससे पहले भी, तो एक बड़ा स्कोर कर चुके हैं। विद भाई ओपनिंग डिपार्टमेंट की अभी हम बात कर रहे थे, फखर जमान की फॉर्म पे आप हमेशा बात करते रहे हैं, ऑफकोर्स के शान मसूद को होना चाहिए था, अब जाहिर वो तो अवेलेबल नहीं है। एक ओनली ओपनर जो एक सेकंड ऑप्शन है वो अब्दुल्ला शफीक का है, तो ये इतना कंसर्न है हमें फखर जमान की फॉर्म को, आज भी परफॉर्म नहीं कर पाए वो, तो क्या ओपनिंग डिपार्टमेंट में करने जाएंगे पाकिस्तान रे, आज ये खिला देते हैं अब्दुल्ला यार शफीक को आज भी चांस। सबसे पहले देखें नेदरलैंड्स की जाना, तब बात है ना, आप ये जहन में रख ले, दे आर नथिंग टू लूज, एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग देम टू लूज दिस मैच, तो वो तो जिस तरह भी खेले दे हैव नथिंग टू लूज, सीधी सी बात है, तो प्रेशर सारा पाकिस्तान के ऊपर ही है। दूसरी तरफ ओपनर्स की अगर बात है, तो भाई देखें फाकर जमा जो है वो कोई अभी तो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है ना यार, वो तो एशिया कप में भी आउट ऑफ फॉर्म था, उससे पहले भी वो स्ट्रगल कर रहा था, उसकी कोई आपको याद है जब एशिया कप का भी ट्रांसमिशन की थी, तो मैंने आपको इनिंग्स भी उसकी गिनवाई थी कि 12-13 इनिंग्स में 11 इनिंग्स में उससे रन ही नहीं होके दे रहे, जी तो इनको पता था कि वो फॉर्म में नहीं है, तो फिर भी इन्होंने बैकअप में नहीं रखा शाम को, तो फिर आप क्या कहेंगे इस चीज को यार। यू एक्सपेक्ट अब्दुल्ला शफीक टू बी मतलब कैसे बोलते 100% रिप्लेसमेंट फॉर सेम टू सेम रिप्लेसमेंट फॉर फाकिर जमा, नहीं, अब्दुल्ला शफीक डिफरेंट टाइप का प्लेयर है, फाकिर जमा डिफरेंट टाइप का प्लेयर है, तो आपके पास पावर कहां से आएगी टॉप में मुझे बताया ना। अब या तो ये है कि फिर आप हिम्मत करें, आप बैटिंग ऑर्डर को शफल करें, या तो फिर आप नवाज को नंबर 3 खिलाए, शादाब को नंबर 3 खिलाए, सऊद को लेके जाए, बाबर से ओपनिंग करवाए, हाँ यही चीज आप कर सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स आप फिर सोचना शुरू करें। बट इफ यू वांट टू ओपन विद इमाम एंड अब्दुल्ला शफीक, तो भाई फिर तो बस तो छोड़ देना यार, फिर मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब जिस पेस पे ये लोग बैटिंग करते हैं, वो क्रिकेट जो है ना वो फरारी में चल रही है, अब क्रिकेट जो है वो वोक्सवैगन में नहीं चल रही है, हम वोक्सवैगन वाली क्रिकेट खेल रहे हैं, हमें फरारी वाली क्रिकेट खेलने की जरूरत है भाई। और आप मिकी आर्थर कह रहे हैं कि वी हैव टू प्ले द पाकिस्तान वे एज वेल, तो अब लास्ट 12 इनिंग्स में फखर जमान की सिर्फ कोई 50 नहीं है लास्ट 12 इनिंग्स में एज एन ओपनर, रिजवान हॉक क्रिकेट इनके अच्छा स्टैंड परफॉर्म नहीं मिल रहा पाकिस्तान को कहीं पे। और वही वाली बात है कि आज से नहीं है, तो पिछले 2-3 साल से है, हमने 2021 के वर्ल्ड कप में भी यही मसले थे हमारे, जो दुबई में हुआ वो उन्होंने आखिर में जाके किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसके बाद बहुत ही ऑन एंड ऑफ ही, हम कहते हैं कि फखर जब खेलेगा तो वो बड़ा इंपैक्ट प्लेयर है और वो मैच जितवा कर देता है, लेकिन सिर्फ इस आश्रय पे आप नहीं बैठ सकते जबकि आपके पास और भी वीक लिंक्स मौजूद हैं बैटिंग में। अब बाबर के खुद रन नहीं आ रहे, लेकिन बाबर तो चले ऐसे प्लेयर हैं कि उनको कर ही देंगे रन, लेकिन इमाम के रन नहीं आ रहे, फखर के अलग रन नहीं आ रहे, फिर नीचे अलग आपको मसले हैं मिडिल ऑर्डर में, सो इतने सारे वीक लिंक्स के साथ आप ठीक है आप बैक करते हो प्लेयर को कि यार मेरा बड़ा प्लेयर है मैं इसको बैक करूंगा, लेकिन बैक भी आप उस सेंस में करते हो कि पूरे 11 में से आपके पास सिर्फ एक वीक लिंक हो कि एक प्लेयर ऐसा हो जिसको बैक करना पड़े, अगर 11 में से 4-5 प्लेयर ऐसे हैं जिनको बैक करना पड़ रहा है सिर्फ उस उम्मीद में कि नहीं जब ये करेगा परफॉर्म तो ये अच्छा परफॉर्म करेगा, तो फिर बहुत बड़े मसले हैं। और ये मतलब ये सारी मतलब कितना किस लेवल तक इस टीम को सपोर्ट करें, आई थिंक जिस तरीके से आज बहुत ही मायूस किया इन्होंने फैंस को, सारे सॉफ्ट डिसमिसल्स हुए, कोई अच्छा गेंद नहीं था, फखर ने वही मारूँ रोकूँ क्या करूँ उसी चक्कर में वो कॉट एंड बोल्ड हुए, वो बाबर भी अनफॉर्चुनेटली बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल्स हुए, सबके ही सॉफ्ट डिसमिसल्स हैं, जिस तरीके वहीद भाई ने बोला कोई बॉलिंग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं थी, और आई थिंक जिस तरीके कल भी हमने बात करी थी जब इनिंग खत्म हुई कि एडवांटेज
न्यूजीलैंड था, अभी भी शायद हम यही बोल सकते हैं कि एडवांटेज नेदरलैंड है जिस तरीके से फर्स्ट इनिंग खत्म हुई है। अब लेट्स सी कि वो कैसे आज स्टार्ट करते हैं। चाहे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, जरा बात करेंगे पाकिस्तान की स्क्वाड डेप्थ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बड़े टूर्नामेंट की। 9 मैचेस आप खेलने जा रहे हैं ग्रुप में, स्क्वाड डेप्थ क्या पाकिस्तान के पास है? क्योंकि ओनली जब मैं ऑन पेपर देख रहा था 2 बैटर्स मौजूद हैं, एक अब्दुल्ला शफीक एज एन ओपनर हैं और सलमान आगा एज वेल। तो विल बी टॉकिंग अबाउट दैट आफ्टर ब्रेक।